वीडियो वगैरह बना लिए, फोटो भी बना ली है, अभी चलते हैं। बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया, अभी थोड़ा सा आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ से डलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी सुबह उठा हूँ, नाश्ता वगैरह किया है, बाहर आ गया हूँ थोड़ा घूमने फिरने के लिए, हो सकता है आज वापस चला जाऊँ या कल। अभी ये आप व्यू चेक करें, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। अभी थोड़ी देर बाद चलते हैं, एक यहाँ पे मस्जिद है इफ्टबाद में, वहाँ पे थोड़ा वीडियो वगैरह बनाते हैं, बहुत फेमस मस्जिद है। अभी यहाँ पे आया हूँ फोटो वगैरह बनाने के लिए, काफ़ी अच्छा व्यू था। निकलते हैं इधर से और सीधा चलते हैं मस्जिद, नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं और वहाँ पर जा के वीडियो वगैरह भी बनाते हैं। व्यू आप चेक करें, काफ़ी अच्छा व्यू है। हम जो है वो पहाड़ के ऊपर आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा व्यू, और ठंड भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और वीडियो को भी लाइक करना, बेल आइकन को दबा देना। अभी आए हैं शिमला पहाड़ी, इधर से होके फिर मस्जिद जाते हैं। ये करीब पड़ा था तो जमीर भाई कहता है पहले इधर चलते हैं, उधर बाद में चलेंगे मस्जिद में। वो सामने जो बर्फ़ वाले पहाड़ है ना, वो तकरीबन यहाँ से 100 या 200 किलोमीटर दूर है, लग रहे ऐसे पास है मगर बहुत दूर है। वो गाड़ी वाला कल वैसे ही कह रहा था ये करीब है, वो काफ़ी दूर है। वो मेरे ख्याल से ना नारायण का खान जो है उसमें आते हैं, इसके आगे जो है वो नारायण का खान है। इस तरफ भी बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पर, वहाँ पीछे काफ़ी दूर है वो जगह, नहीं तो वहाँ पर चलते। हम जो है वो सबसे जो ऊपर जगह है वहाँ पे भी आए हैं, इधर से कोई पिक्चर वगैरह बनाते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं पार्क के ऊपर। यहाँ ये नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लोग जो हैं वो बगैर टिकट के यहाँ से आके घूम फिर के चले जाते हैं। हम जो है वो सीधी रास्ते आए हैं, टिकट वगैरह लिया है। अभी ये भी स्टूडेंट है, यहाँ से जा रहे हैं, इन्होंने टिकट वगैरह लिया है, यहाँ से रास्ता बना हुआ है, इधर से आए हैं। हम अभी इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे फुल जो इफ्टबार का व्यू है ना वो नज़र आएगा। थोड़ा दूर तो है मगर चलते हैं आस्ता आस्ता के ऊपर जाएंगे। यहाँ से जो इफ्टबार शहर है उसका सारा व्यू जो है ना वो क्लियर नज़र आता है, आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे। ये नीचे रोड है जिससे हम गुजर के आए हैं। अभी चलते हैं वापस। आ गए हैं वापस, अभी बाइक वगैरह निकालते हैं और चलते हैं घर वापस, खाना वगैरह खाते हैं। अभी हम इधर रुके हैं, एक छली लेते हैं, छली घर वापस आ गए हैं। अभी खाना वगैरह खा के फिर चलते हैं अलियास मस्जिद, खाना वगैरह खा लिया था, अभी चाय भी पी ली, अभी चलते हैं अलियासी मस्जिद। हम जो है वो अलियासी मस्जिद पहुंच आए हैं, यहाँ पे जो पानी है ये कुदरती ज़मीन से निकल रहा है, ना कोई यहाँ पे मोटर वगैरह लगी हुई है, ना कोई लगा हुआ, ये ज़मीन से कुदरती निकल रहा है, इसको चश्मा कहते हैं। यहाँ से फिर जो पानी है ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो बाहर जा रहा है यहाँ से।
ये सारा पानी जो है ये बाहर जा रहा है, क्यों? ये कुदरती जो है ना वहाँ से आ रहा है, कुदरती निज़ाम है यहाँ पे, ना कोई टूटी लगी हुई है ना कोई लगा हुआ है, ये सारा कुदरती पानी आ रहा है। अब यहाँ भी चेक करें, इस तरह सारा देख लो, मैं जो है वो शूज़ नहीं उतार सकता, वो इसकी जो टांग पहनी हुई है वो उतार दी थी, शूज़ पहनना थोड़ा मुश्किल था, अगर वो उतारते तो वो फिर पहन नहीं सकता था, इसलिए मैंने जो है वो टांग उतार के मस्जिद के अंदर गया था। यहाँ पे अलियासी मस्जिद के नाम के जो पकौड़े हैं वो बहुत मशहूर हैं, मैंने भी ऑर्डर किया है पकौड़ों का, वो थोड़ी देर तक आते हैं, खाते हैं, आपको टाइम बताते हैं किस तरह के। मज़ेदार और मस्जिद भी देख ली है, पकौड़े वगैरह भी खा ली, अभी चलते हैं घर वापस। अभी मस्जिद के पास ही एक दरबार था, हम अभी वहाँ पे आए हैं, अमीर भाई बोलता है वहाँ पे चलते हैं, अभी बस पहुँच आए हैं यहाँ पे ऊपर। ये है दरबार, यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है। ये नीचे अलियासी मस्जिद है, हम दरबार पे जो है वो हाजिरी डाल के आ गए थे, अभी निकलते हैं वापस। बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया, अभी थोड़ा सा आगे पेट्रोल पंप है वहाँ से डलवाते हैं, अभी हम जा रहे थे रोई झील है वहाँ पे जा रहे हैं, बाइक को जो है वो उल्टा किया अगर पेट्रोल पंप तक चला गया था, यहाँ से पेट्रोल नहीं मिलता, यहाँ से पेट्रोल नहीं मिला वो कहते हैं लखनऊ से ही आपको मिलेगा, अभी चलते हैं देखते हैं वहाँ तक कौन जाएगा मोबाइल। हम जो है वो हरनोई झील पहुँच आए हैं, यहाँ पे एक पुल है, अभी वहाँ पे जा रहे हैं हरनोई पुल। ये रहा पुल, वीडियो वगैरह बना ली है, फोटो भी बना ली है, अभी चलते हैं सामने वहाँ झील पे। पेट्रोल जो है वो अभी इधर दुकान पे आए, हो सकता है यहाँ से मिल जाए, मिल गया जी पेट्रोल फाइनली। झील जो है वो हम पहुँच आए हैं, यहाँ पे ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, 20-22 किलोमीटर आगे जो है ना वो नथिया गली स्टार्ट हो जाती है। अभी सर्दियाँ हैं तो यहाँ पे जो है ना रश इतनी नहीं है, गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होती है, सर्दियों में यहाँ लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते, कम आते हैं, गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होती है। ये जहाँ पे उन्होंने लिफ्ट लगाई हुई है इस रोड से जो है ना वो पहाड़ की तरफ जो है गांव में, वो गांव के जो आदमी है ना वो उस लिफ्ट की मदद से अपने गांव जाते हैं उस तरफ, ये यहाँ पे लगी हुई है, उधर जाती है, फिर वहाँ से जो बंदे हैं वो उधर से बैठ के इस तरफ आते हैं। हमने लिफ्ट वाले से बात की है, वो कहता है हम आपको वहाँ पर घुमा के लेके आते हैं, अभी इस पर बैठेंगे और वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा वाइट, उधर जाएँगे। लिफ्ट जो है वो चल पड़ी है,
हम आ गए हैं दूसरी तरफ। अब यहाँ पे सवारियों में ऑपरेटिंग की चल जाएगी उस तरफ। आ गए हैं जी वापस घूम फिर के। टाइम जो है वो काफ़ी लेट हो गया, अभी रात होने वाली है। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, चलते हैं घर। सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, यूँ जो अंधेरा होगा सर्दी और बढ़ती जाएगी। तो अभी निकलते हैं, कल इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।